हेलो फ्रेंड्स, सरकारी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप डिफेंस में नौकरी करना चाहते हैं और आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो ये न्यूज़ डेफिनेटली आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी का मौका, हज़ारों की सैलरी के साथ अन्य सुविधाएँ। रक्षा मंत्रालय ने फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, इंडस्ट्रियल मजदूर के पदों पर आवेदन मांगे हैं। कुल 23 पदों के लिए अंतिम तिथि से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया को पूरी करें। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुल 23 पद हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर दें। इस वैकेंसी से जुड़ी और भी सभी जानकारी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद में ये बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की जॉब, एडमिट कार्ड और रिजल्ट से रिलेटेड सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में और फैमिली मेंबर्स के साथ में इसको शेयर भी जरूर करें ताकि उनको भी इस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस जॉब से जुड़ी पूरी जानकारी। दोस्तों अगर हम पदों की बात करें तो फायर इंजन ड्राइवर के लिए 4 वैकेंसी हैं जिसका वेतन 21,700 रुपये होगा। और दोस्तों फायरमैन के लिए 16 वैकेंसी हैं जिसका वेतन 19,900 यानी लगभग 20,000 रुपये होगा। और इंडस्ट्रियल मजदूर के लिए 3 वैकेंसी हैं, उसका वेतन 18,000 रुपये होगा। दोस्तों अगर बात करें महत्वपूर्ण तिथियों की तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 9 मार्च 2019 है। तो दोस्तों जैसे ही 9 मार्च को इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं आप तुरंत जल्द से जल्द आवेदन कर दें अगर आप इच्छुक हैं इस जॉब के, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो 10वीं मांगी गई है। दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि भी मैं आपको अभी इसकी नोटिफिकेशन में दिखा दूंगा। इसकी दोस्तों आपको मैं अभी नोटिफिकेशन और वेबसाइट भी दिखाऊंगा जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इसमें आवेदकों के पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास व अन्य शैक्षिक योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित है। उम्र की दोस्तों अगर बात करें इसमें आयु सीमा की, तो उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं आवेदन कैसे करना है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधिकारिक सूचना को डाउनलोड करके पढ़ें और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन करें। दोस्तों यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, आधिकारिक वेबसाइट के लिए लिंक है और ये आधिकारिक अधिसूचना के लिए लिंक दिया हुआ है। ये लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट रक्षा मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप इसकी नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, इसमें दोस्तों सारा दिया हुआ है। फायर इंजन ड्राइवर ये सैलरी दोस्तों है, ये अनरजिस्टर्ड के लिए 3 और ओबीसी के लिए इसमें 1 वैकेंसी है, टोटल 4 वैकेंसी हैं। दोस्तों इसके बारे में आप यहां से पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। और दोस्तों फायरमैन के लिए दोस्तों ये 10-1-1-4 यानी टोटल 16 हैं। और इसी के साथ में इसका एसेंशियल भी आप यहां से पढ़ सकते हैं, 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इसके बराबर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पढ़े हुए हों। और दोस्तों इसी तरह इंडस्ट्रियल मजदूर के लिए 18,000 रुपये वेतन है जिसमें 3 वैकेंसी हैं, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है और इसके लिए ये कंडीशन मांगी गई है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।